हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑल ऑन द राखी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आपको बताऊं, आज बरसाते हैं। जैसे बरसाती व्रत, बरसात की पूजा होती है, सेम वैसा ही है ये व्रत। और ये बेटों के लिए होता है और लोग कहते हैं सुहागन के लिए भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बरसावित्री की पूजा होती है उसी तरीके से हम इसकी पूजा करेंगे। तो आज मॉर्निंग में मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड और बेटे अभी सो रहे हैं, बेटा, और अभी 8 बजा है। मेरा सारा काम रेडी हो चुका है, अब हम पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक बात आपको बताऊं, इस समय हम लोग मैं ज्यादातर मिट्टी के ही बर्तन यूज कर रही हूँ। तो मेरा बेटा भी मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है, दूध पीता है, उसको बड़ा शौक आया हुआ है। मैं घड़ा वगैरह सब लेकर आई हूँ, देखो आपको दिखाती हूँ। और सुबह मैंने क्या क्या खाने में तैयारी की है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, 9 बजे, 9:30 तक निकलना है, तो मुझे 9 बजे तक सारी तैयारी पूजा वगैरह करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सब मिट्टी के बर्तनों का यूज, ये देखिए मैंने इसमें बूंदी कराया था, इसमें रखा हुआ है सकोरे में। और ये देखिए मैंने केले की सब्जी जो बनाई हुई है, वो भी कितना सुंदर पॉट है, इसमें ये रखा हुआ है। और ये देखिएगा मैंने छोले की सब्जी बनाई हुई है, ये इसमें रखा हुआ। और इस समय मेहुल भी खूब यूज कर रहे हैं इन बर्तनों का। ये देखिए इधर मेरा ये दूध मैंने रखा हुआ था, गर्म हो चुका है अच्छे से हांडी में। ये मेहुल के उधर पीने के सब गिलास वगैरह, कुल्लड़ वगैरह रख रखे हैं उन्होंने। मेहुल इसी में पानी पीते हैं, भर लेते हैं घर से और इसी में पानी पीते हैं। और ये गिलास है उनके, ये जूस वगैरह है या दूध वगैरह इसी में लेते हैं, वो अपने आप ले लेते हैं और खूब उनको शौक आया हुआ है। और फ्रेंड्स, समय हम लोग अपनी मिट्टी से जुड़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी परेशानियां। और ये देखिए घड़ा ये मैं लाई थी, और इसकी ट्रिक आपको बताती हूँ। अगर आपके पास मुझे ये शॉप बनती तो इसके नीचे जो रखा जाता है स्टैंड, वो नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको जुगाड़ करके इस तरीके से सिलेंडर पर रख लिया है। तो आराम से ये सेट हो गया है, इस पर गिरेगा नहीं। आप भी इस तरीके की जुगाड़ करिएगा। और फ्रेंड्स, आज बरसाते हैं, जैसे इसकी बरसावित्री की हमने पूजा की थी उसी तरीके से सेम पूजा वैसी ही होती है। ये व्रत लड़कों के लिए भी होता है पूजा इसकी, और सुहागिन औरतें सुहाग के लिए भी करती हैं। मानने वाले दोनों तरीके से इस व्रत को मानते हैं। तो मेरी ये तैयारी हो चुकी है, अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। देखिए, और फ्रेंड्स मुझे ये चौक जो रखा हुआ है, मैंने एप्पल पीस कर, मुझे बस ऐसा ही आता है, मेरी फ्रेंड ने सिखाया भी था, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं आता, तो मैंने आज ये स्लिप पर ही अपनी ये पूजा रख ली है किचन की। और ये पत्ते हैं, देखिएगा इसकी मैके में जो मेरी मम्मी है ना, बहुत ही खूबसूरत इसकी बैलगाड़ी बनाती हैं, बिल्कुल वैसा ही पीछे रब्बा टाइप जो पुराने जमाने में होता था, लहड़ बैल वाली गाड़ी जो होती थी उसकी, और उस पर बैल बनाती हैं, बहुत ही खूबसूरत उस पर जो चलाने वाला बैठाती हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन मैं इस समय आपको दिखा नहीं सकती उनका बनाया हुआ, कभी मौका लगेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत मेरी मम्मी बनाती हैं वो। और तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप अपने पूजा की तैयारी करेंगे। पहले हम पूजाते के लिए पूरी सेकेंगे और पूजा के लिए अठौरी और पुए बनाते हैं। तो आजकल हम खूब मिट्टी के बर्तनों का अपने घर यूज कर रहे हैं, हर चीज में, खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने में, बनाने में। अब हमने पुए बनाएंगे पूजा के लिए, इसमें पुए भी बनाए जाते हैं। अभी फ्रेंड्स 8 बजे हैं और मेहुल अभी सो रहे हैं और उसके पापा उठे हैं,
वो भी अब रेडी होएंगे, जब तक मेरी पूजा वगैरह और खाना रेडी हो चुका है सर। बस पूजा करने के बाद मैं टिफिन वगैरह लगाती हूँ उनका भी। देखिए पूरे रेडी है हमारे, अब हम अठौरे और पूरी सेकते हैं कुजाते के लिए। ये पूरी हमारी कुजापे के लिए सिक चुकी है, कुजापे में रखेंगे जो, और इस पर 5 पुए ये कुजापे के लिए तैयार हो गई। अब हम अठौरी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेवल उठ रहे हैं, वो दूध मांग रहे हैं हमको, जरा हम दूध देते हैं। तो मेवल अपने इसमें ही पानी पियेंगे, दूध में यूज ना पियेंगे वो, इसलिए देखिए ये देखिए मेवल का दूध मांग रहे थे, तो उनको भी दे दे, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट खड़ी है, जैसा जैसे मम्मी हमारी गाँव में पकाती है। देखिए चलिए मेरे को दूध देते हैं, फिर हम अपनी अठौली बना लेते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स हम पूजा की तैयारी करते हैं। आज मैंने अपने किचन में ही इसको पूजा की तैयारी कर ली थी, मंदिर के पास नहीं थी। तो हम दिया धूप बत्ती वगैरह सब जला रहे हैं और गणेश जी की भी इसमें कहानी की जाती है, और बट सावित्री की जैसे मैंने पिछली बार की थी, तो आपको आज मैं कहानी पढ़ते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बट सावित्री की जैसे मैंने अपनी कहानी की थी, आज मैं बस महाराज की जय। ये काले चने ले रखे हैं, अब हम ये पत्ते में इसको 7 चने लेकर, और इसमें ये जो घर की डुग्गी होती है ना, इसमें देखिए इस तरीके से ये कली होती है, इसको भी इसमें रखेंगे इस तरीके से बांध के। और इसको ये खोल करके ये हाथ में लेकर ये डुगिया चढ़ा करके चढ़ा देंगे हाथ जोड़ करके, और ये चने और ये जो कली ले रखी है मैंने, इसको हम पानी से खाएंगे। उसके बाद देवी माँ से सुहाग लेंगे, इस तरीके से सुहाग लेते हैं, देखिए 5 बार। कभी भी राइट हैंड से सुहाग इस उंगली से लेना चाहिए, इससे देखिएगा। अब हम इस तरीके से अपने माथे पर लगा कर देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि सबका सुहाग बना रहे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, देवी माँ रक्षा करें सबकी। मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है, अब मैं ये पूजा पर देने जाऊंगी, और बाकी ये हस्बैंड का फिर आके करें, ये मैं टिफिन लगाऊंगी उनका। खाने की तैयारी हो चुकी है मेरी सारी रेडी, बस अब मैं 1 घंटे काफी बिजी हूँ। चलिए बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठी थी,
अब थोड़ा आराम करूंगी, 1-1 घंटे नाश्ता हो चुका है। अभी मेहुल नाश्ता थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि वो देर से उठा है और इसके पापा ऑफिस चले गए हैं। फ्रेंड्स आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कुएं की। देखिए कुएं, आप कुएं जब बनाएं इतने सॉफ्ट, देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप कुएं में घी जब डालिएगा और दूध से उसको फेंटिएगा अच्छे से, और ज्यादा पतला मत कीजिएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रहे, और फिर पूरे बनाइए आप। बाकी जो भी गोला वगैरह या सौंफ जो भी डालना चाहें आप डालिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया आपके पूरे बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।